नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम दोस्तों विलयन के विषय में चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। या फिर यह भी कह सकते हैं कि विलय और विलायक का मिश्रण ही विलयन कहलाता है। और विलय विलायक क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। विलयन के भार अथवा आयतन की दृष्टि से जो पदार्थ कम होता है विलेय कहलाता है, एवं जो अधिक होता है वह विलायक कहलाता है। जैसे समझते हैं दोस्तों, जैसे आपका हो गया शरबत। शरबत में देखिए दोस्तों, पानी क्या होता है, अधिक होता है, तो पानी इसमें क्या कहलाएगा, विलायक। और जो आपका चीनी होता है, चीनी आपका क्या होता है, वह कम होता है, यह आपका क्या कहलाएगा, विलेय। ठीक है दोस्तों, इससे भी समझ सकते हैं कि जिसमें घोला जाता है वह विलायक कहलाता है, जो घोला जाता है वह विलेय कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, नोट ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नोट क्या कर रहा है कि एक विलायक में एक से अधिक विलेय पदार्थ घोल सकते हैं। जैसे आपका हो गया दोस्तों, यह मान लीजिए पानी है, तो पानी में क्या कर सकते हैं, चीनी भी घोल सकते हैं, नींबू भी घोल सकते हैं, मतलब जो विलेय होता है वह एक से अधिक भी हम घोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है आपका विलयन के प्रकार। विलयन जो होता है दोस्तों, विलेय, यहाँ पे विलय रहेगा दोस्तों, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है वह 9 प्रकार का होता है। विलय प्लस विलायक और बराबर विलयन। तो देखिएगा दोस्तों, विलय इधर है और विलायक इधर है, और जो बन रहा है यह विलयन है। तो पहला है आपका, पहला है ठोस। ठोस 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 क्या होता है, जैसे आपका हो गया मिश्र धातु है। और दूसरा है आपका ठोस द्रव, जैसे आपका हो गया शरबत। तीसरा है आपका ठोस गैस, जैसे आपका हो गया धुआं। चौथा है आपका द्रव ठोस, जैसे आपका हो गया दही पनीर। पांचवा है दोस्तों द्रव द्रव, आपका हो गया शराब। छठा है आपका द्रव गैस, जैसे आपका हो गया कोहरा। सातवां है दोस्तों आपका गैस ठोस, जैसे आपका होगा H2 गैस पिघलते लोहे में घुल जाती है। आठवां आपका हो गया गैस द्रव, जैसे आपका होगा सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक। नौवां आपका हो गया गैस गैस, जैसे आपका हो गया हवा। ठीक है दोस्तों, आप क्रम से याद रख सकते हैं, एग्जाम्पल में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अत्यधिक पूछा जाता है, और दोस्तों परीक्षाओं में भी 1 नंबर में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि विलयन की सांद्रता करने की विधियां क्या होती है। तो पहला विधि आपका है जी प्रति लीटर सांद्रता। जी प्रति लीटर सांद्रता क्या होता है, तो किसी विलयन की 1 लीटर में उपस्थित, क्या दोस्तों, किसी विलयन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की जो संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की जी प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। जी प्रति लीटर सांद्रता का फार्मूला होता है दोस्तों, विलेय का भार वो भी ग्राम में और आयतन लीटर में। यह क्या होता है दोस्तों, जी प्रति लीटर की सांद्रता का फार्मूला होता है। इस पर एक सवाल भी देखते हैं दोस्तों, इस पर बेस एक सवाल है दोस्तों कि NaOH विलयन के 500 ml में इसके 50 ग्राम घोले हैं, तो इसकी सांद्रता जी प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इजी सवाल है। क्या कह रहा है कि NaOH के 500 ml विलयन में कितना घुला है, 50 ग्राम। तो 1 ml का निकालेंगे दोस्तों,
तो क्या हो जाएगा 50/500। इसी तरह यदि हम 1000 ml का निकाले तो 50 × 1000/500। इसे हल करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 100। क्या आएगा दोस्तों? 100 g/L। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला है आपका ppm में सांद्रता। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसी विलयन के एक मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। ठीक है दोस्तों, तो किसी मिलियन विलयन के 1 मिलियन अर्थात 10^6 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उसकी ppm में सांद्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है, ppm में सांद्रता का फार्मूला होता है विलेय का भार, वह भी किसमें? ग्राम में, बटे विलयन का भार, किसमें? ग्राम में, गुणे 10^6। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपको दिया जाए कि NaCl के 10 ppm का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि जो विलयन है, विलयन के 10^6 ग्राम में क्या है दोस्तों? विलयन के जो 10^6 ग्राम में 10 ग्राम क्या है? NaCl है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अगला है आपका नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के क्या दोस्तों? 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या होता है दोस्तों? 1 लीटर में क्या होता है? 1 लीटर में उपस्थित जो ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है दोस्तों, वही आपका क्या कहलाता है? नॉर्मलता कहलाता है। इसे दोस्तों क्या करते हैं हम, इसे कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। या फिर यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। ठीक है दोस्तों, इस पर एक सवाल भी देख लेते हैं। इस पर बेसिक सवाल है दोस्तों, सवाल क्या है कि 500 ml में H2SO4 का 4.9 ग्राम घुला है, तो घोल की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सवाल में दिया क्या है दोस्तों कि जो 500 ml है का H2SO4 कितना ग्राम घुला है? 4.9। तो 1 ml में कितना हो जाएगा दोस्तों? 4.9/500। तो इसी तरह दोस्तों आपका 1000 ml में कितना हो जाएगा? 4.9/500 × 1000। इसे हल करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 9.8 g/L। ठीक है दोस्तों, हल करके देख लीजिएगा आप, और फिर निकालेंगे H2SO4 का अणुभार। तो दोस्तों आप निकाल सकते हैं अणुभार इसका होता है 98। कितना होता है दोस्तों? 98। आगे देखते हैं, और तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला होता है अणु भार और क्षारीयता। क्षारीयता आपको पता है दोस्तों कैसे याद किया जाता है, तो अणु भार इसका है 98 और क्षारीयता कितना होगा दोस्तों? इसका 2 होगा। तो इसे हल करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 49। कितना आएगा? 49। आप जानते ही हैं कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है? जी प्रति लीटर में सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। तो जी प्रति लीटर में आपने सांद्रता कितना निकाला है? 9.8, और तुल्यांकी भार कितना है दोस्तों? 99